नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है ऑटो स्विच लगाना सीखेंगे, वायरिंग सीखेंगे। तो इस पे जो है पहले आप देखते हैं 7 वायर वाला है, 7 तारों वाला है। पहला जो है आपको दिखा दूँ, ये R1, फिर R2, R3, N, V, S1 और S2। इस पे 7 वायर लगाना है। पहला वायर जो है R1 हमने लगा दिया रेड कलर का, फिर R2 जो है येलो कलर का, R3 जो है ब्लू कलर का लगा दिए हैं, N दिए हैं हम लोग ब्लैक। और इस पे जो है हम लोग एक कनेक्शन दिए हैं, V और S1 को जो है शॉर्ट किए हैं, V और S1, ये देख लीजिए V और S1 को। फिर उसके बाद जो है S1 से एक वायर निकाले हैं ग्रीन कलर का और S2 का एक वायर है, ठीक है। इसको जो है सप्लाई पे रखते हैं, अब इसको जो है कनेक्शन डालेंगे। ये हमारा ट्यूबवेल, ये हमारा स्टार्टर, इसको पहले बंद करते हैं। ये हो गया बंद। अब जो है फ्यूज निकालेंगे, तो हमने फ्यूज निकाल दिया है। अब जो है आपको ऑटो में कैसे नॉर्मल कनेक्शन होता है वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, तो आप खरीद के लाएंगे तो ऐसा कनेक्शन रहता है। तो इसमें हम लोग को ऑटो लगाने के लिए ये जो कनेक्शन 2 लगा हुआ है ग्रीन और रेड बटन में, इसको निकालना है, इस वायर को। इसको निकालते हैं फिर जो है आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये वाला कनेक्शन निकालने के बाद जो है हम लोग R1 को जो है पहले वाले जो है फेस पे लगाएंगे, ये रहा रेड कलर का। R2 को जो है सेकंड वाले पे, R3 को जो है ये थर्ड वाले पे। इधर से कहीं से भी आप लगा सकते हैं इसको, जो है बाद में हम लोग को जो है अगर आर्टिस्ट फॉल्ट बताएगा तो उसको अपन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब आता है ये पहला ब्लैक कलर का जो वायर है, इसको हम लोग लाए थे N से। यहाँ देखिएगा, ये ब्लैक कलर का वायर ये वाला, ये N से आया हुआ, ये वाला ये N से आया हुआ है। उस N वाले तार को जो है ये रेड कलर का जो है जो स्विच है ऑफ का, जहाँ से हम लोग वायर निकाले थे, इस पे लगाना है, इस पे। और S1 वायर होगा जो हमारा जो है ग्रीन कलर का है, उसको हम लोग इस पे लगाएंगे, जो वायर यहाँ से जो डिस्कनेक्ट किए थे यहाँ पे, और S2 को यहाँ लगाएंगे। तो ये तीनों वायरिंग करने के बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि हमारा ऑटो ठीक से काम करेगा या नहीं, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन हो गया जैसे बताया था, R1, R2, R3, फिर इसके बाद इसमें लगेगा S1, S2, ये जो है ग्रीन बटन में, और रेड पे लगेगा जो है N, इस सेकंड वाले पे, यहाँ से जो वायर निकाले थे, इतना लगाना है। अब इसके बाद जो है हम लोग फ्यूज लगाते हैं और देखते हैं ऑटो हमारा काम करता है। यहाँ देखिए टाइम डिले आ रहे हैं, मतलब हमारा वायरिंग सही है। ये कुछ टाइम लेगा, अभी जो है इसको मोटर ऑन है, हम लोग इसको ऑटो पे कर देते हैं। अब देखते हैं, ये 30 सेकंड का टाइम लेता है, फिर उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसका ढक्कन है, ढक्कन को ऊपर रख देते हैं। ये मोटर ऑन हो गया, आवाज़ भी आया होगा। ये हमारा ट्यूबवेल, ये भी स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि फील हो रहा है मुझे। ये हो गया स्टार्ट, यहाँ से हो गया। अब सामने लेके चलता हूँ, ये पाइप से गया, यहाँ थोड़ा मुड़ गया तो पानी कम आ रहा है। तो अगर फेज फॉल्ट में ही दिखाता है ये वाला जो है, मोटर ऑन पे नहीं आता या फिर जो है टाइम डिले पे नहीं आता, तो हमको जो है
ये जो R1, R2, R3 लगाए थे हमको, उसको जो इंटरचेंज करना था किसी दो को, या तो R1, R2 को करते या फिर R2, R3 को करते, उसके बाद जो है वो सही हो जाता। हमारे केस में जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सही हो गया। बाकी आप चेंज कर सकते हैं। एक और ऑटो आता है जो है 6 वायर वाला, 6 तारों वाला, तो उसमें जो है हमको इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें 6 ही रहता है, V जो है और रहता नहीं है। तो बस वही है।